हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष का बहुत बड़ा महत्व है और यह श्राद्ध पक्ष करीब 15 दिन और यूं कहे तो एक पखवाड़े तक मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि पितृ पक्ष और पूर्वज 15 दिन के लिए अपने परिवार के बीच धरती पर आते हैं और इस दरमियान पितृ पक्ष को खुश करने के लिए तमाम प्रकार के जतन किए जाते हैं और श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। इस दौरान इस पूरे पखवाड़े में धर्म पुण्य का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, जिससे पितृ पक्ष भी खुश होते हैं। इस दौरान आपको क्या करना चाहिए जिससे पितृ पक्ष खुश हो, वही इसके अलावा ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें जिससे पितृ पक्ष ना खुश हो, आइए जानते हैं नगर व्यास पंडित कमलेश व्यास की जुबानी। श्राद्ध पक्ष 15 दिन तक श्राद्ध पक्ष आता है और आश्विन कृष्णा से चालू होता है और ये अमावस्या तक पूर्ण हो जाता है। इसमें जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, एकम के दिन मृत्यु होती है, एकम का श्राद्ध एकम के दिन निकलता है, बीज का बीज तीज के दिन, इस तरह से तिथियों से श्राद्ध निकाले जाते हैं। ये अपने पितरों को पसंद कर ले, ये जो 15 दिन होते हैं पितरों के लिए आते हैं, जैसे पितृपक्ष के लिए, और इसमें क्या धूप निकाली जाती है और उनके निमित्त गोदान है, एक गाय को घास है, हरा घास है, या ब्राह्मणों को भोजन है, हिसाब से कराया जाता है। पितरों के लिए जैसे 15 दिन पखवाड़ा ही पूरा पितरों के लिए आता है, इन दिनों में धूप लगती है और उनको भोजन इत्यादि, ऐसी धारणा रहती है अपने हिंदू संस्कृति में कि हमारे पितृ लोग यहाँ पे उतर के आते हैं और यहाँ पे हमारे परिवार वालों को आशीर्वाद देते हैं, जो आशीर्वाद में आशीर्वाद प्रदान होता है। पखवाड़े के अंदर श्राद्ध पक्ष के अंदर जितना हो सके अपने पितरों के निमित्त धर्म पर धर्म करना चाहिए, जैसे गाय को घास है, कबूतरों के दाना है, जो पितरों के लिए भोजन इत्यादि निकाला जाता है, या जैसे कोई गरीब व्यक्ति उनको भोजन कराया जाता है, या कोई वृद्धाश्रम में जाकर के भोजन कराते हैं कि अपने पितरों के निमित्त या अपने दादा परदादा उनके निमित्त ये श्राद्ध पक्ष में किया जाता है। इन दिनों में क्या होता है कि जैसे कोई भी जैसे मतलब समय में जैसे नीचे वगैरह तीनों कोई पशुओं को पशु पक्षियों को इनको कभी तकलीफ नहीं देनी चाहिए या उनको कोई तकलीफ इत्यादि नहीं देनी चाहिए। अपन को जैसे आत्मा के लिए अपन को पितरों को पसंद करने का खास तौर से पितरों के लिए है। घर में तो ऐसा है कि भाई जैसे घर को घास जलाना 15 दिन तक बनाना चाहिए, उससे उनको पितृलोक प्रसन्न होते हैं। पितृ प्रसन्न होने के पश्चात हमको ऐसा आशीर्वाद देते हैं वो कि धन धान्य बढ़ता रहे, ऐसा हमको पितृलोक आशीर्वाद देते रहते हैं। ऐसे ऊपर से अगर प्रसन्न होते हैं तो धन धान्य की वृद्धि होती है और आपके कुल बढ़ता है, इस प्रकार से होता है।